हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमें फंक्शंस की नीड क्यों होती है सी प्लस प्लस के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास कोड रीयूजेबिलिटी। तो हम लोग सिंगल बार एक कोड को लिख के उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस की हेल्प से। सो सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो है ईजी मेंटेनेंस। सो जो हमारा कोड होता है वो अगर काफ़ी बड़ा है, मान लो थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड जैसा कि इंडस्ट्रीज में होता है, तो वहाँ पे कोड को जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर हम लोग फंक्शंस में डिवाइड ना करें किसी प्रोग्राम को। तो इस वजह से फंक्शंस काफ़ी ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास रीडेबिलिटी। सो हम लोग फंक्शंस की हेल्प से किसी भी प्रोग्राम को इंडिपेंडेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है सिंप्लीफाइड कोड यूसेज। सो कोड जो होता है वो हमारा काफ़ी आसान दिखने लग जाता है अगर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होता है तो, एंड उसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए। एंड फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि एनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग एंड कोलेबरेशन। तीन चार टीम के अंदर वो सॉफ्टवेयर डिवाइडेड है तो इंडिपेंडेंटली टीम्स वर्क कर सकती है आसानी से, एंड जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस किया जा सकता है काफ़ी आसानी से फंक्शंस की है। अब आ जाते हैं सेकेंड स्लाइड पे। सो यहाँ पर हमने उन्हीं पॉइंट्स को काफ़ी एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस एंड बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं SQRT, SETW, STR, CAT। तो ये जो फंक्शंस है ये ऑलरेडी डिफाइंड है सी प्लस प्लस। जैसे SQRT है वो यूज़ होता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। चलो देखते हैं फंक्शंस को लिखने का तरीका क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर। तो सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल लिख रखी है, एंड उसके बाद हमने एक फंक्शन बना रखा है एड नंबर्स नाम का। ये फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली ये फंक्शन दो नंबर्स को ऐड करेगा। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें यहाँ पर डेटा टाइप को लिखना पड़ता है, जैसे कि हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, दो नंबर्स का सम जो कि एक इंटीजर होगा। तो अगर हम लोग रिटर्न ये नंबर रिटर्न कर रहे हैं दो नंबर्स का सम, तो यहाँ पर हम लेंगे इंट डेटा टाइप। एंड अगर हम लोग कोई कैरेक्टर को रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप। सो इस तरीके से आप लोग डेटा टाइप को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है फंक्शन का नाम। सो डेटा टाइप के बाद हमें लिखना होता है फंक्शन का नाम। तो एड नंबर्स हमने फंक्शन का नाम लिख रखा है। सो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल को पास कर रखा है। तो वेरिएबल को पास करने का तरीका होता है, सबसे पहले आपको डेटा टाइप को लिखना होता है, फिर जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम हमें लिखना होता है। एंड उसके बाद हमने रिटर्न कर रखा है दो नंबर्स का एडिशन, नम वन प्लस नम टू। सो इस तरीके से आप लोग फंक्शन को लिख सकते हो सी प्लस प्लस के अंदर। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे मेन फंक्शन। दो नंबर्स को डिक्लेयर कर रखा है, इंट नम वन एंड नम टू। एंड उसके बाद हमने स्क्रीन पर प्रिंट करा दिया एंटर टू नंबर्स। फिर हमने इनपुट लिया है दो नंबर्स को। फिर हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है इंट सम इक्वल्स टू एंड नंबर्स नम वन कॉमा नम टू। फंक्शन को कॉल किया है। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना होता है, देन जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको लिखना होता है। सो फंक्शन को कॉल करते समय हमें वेरिएबल्स का भी डेटा टाइप नहीं लिखना होता और ना ही हमें फंक्शन का डेटा टाइप लिखना होता। नाउ अब हम लोग VS कोड में आ चुके हैं, इसको हम लोग सेव करते हैं सबसे पहले, एंड हम लोग यहाँ से इसको रन करके देखते हैं। सो ये दो नंबर्स को एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो अब पहला नंबर हम लोग एंटर करते हैं 45, एंड द नेक्स्ट नंबर हम लोग एंटर करते हैं 55। अब हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तो दो नंबर्स का जो सम है वो 100 आ चुका है। सो इस तरीके से आप लोग फंक्शंस को बड़े ही आसान तरीके से यूज़ कर सकते हो सी प्लस प्लस के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो फंक्शन से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।